सिरसा में डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर में करीब 8 घंटे चला तलाशी अभियान, सामने आई राम रहीम की मायावी दुनिया की ढेरों पत्ते। खेतों से लेकर डेरे की गुफा तक चल रहा है तलाशी अभियान, 10 जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल। डेरा हेडक्वार्टर से बरामद हुई बिना नंबर वाली लग्जरी कार, टेलीविजन प्रसारण में इस्तेमाल वाली ओबी वैन भी मौजूद। आलिशान गाड़ी आप देख, इस वक्त हमारे सामने जो ये आलिशान गाड़ी आप देख पा रहे हैं, लेक्सस ये गाड़ी है, काफी महंगी गाड़ी है। बड़ी बात यह है कि ये डेरे से बरामद हुई है, लेकिन इस पे कोई भी नंबर प्लेट नहीं था। तलाशी के दौरान डेरे की अर्थव्यवस्था का खुलासा, प्लास्टिक के करेंसी बरामद। डेरा प्रशासन पर असली नोट लेकर प्लास्टिक के सिक्के थमाने का आरोप, कैंपस में ही टकसाल होने के कयास। डेरे से कैश और दस्तावेज भी बरामद, 1200 नए नोट और करीब 7000 पुराने नोट जब्त। डेरे से भारी मात्रा में बिना नंबर वाली दवाइयां भी बरामद, कंप्यूटर लैपटॉप और हार्ड डिस्क जब्त। तलाशी के दौरान डेरे से कई दुर्लभ प्रजाति के जानवर भी बरामद, वन विभाग की टीम भी मौजूद। डेरे में तलाशी के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे, गुफा से 2 बच्चों समेत 5 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। भारी सुरक्षा के बीच डेरा हेडक्वार्टर में चल रहा है तलाशी अभियान, करीब 5000 जवानों की तैनाती। डेरे के भीतर घुड़सवार दस्तों ने संभाल रखा है मोर्चा, दूर दूर तक फैले खेतों में भी चल रहा है तलाशी अभियान। तलाशी के बाद डेरे के कई कमरों को किया गया सील, रुड़की से बुलाई गई है फोरेंसिक टीम। सिरसा डेरे में तलाशी के बीच सरकारी कुनबे से राम रहीम को समर्थन, खट्टर के मंत्री अनिल विज बोले जाता रहूंगा डेरा। डेरा समर्थकों को हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दिलाया भरोसा, हरियाणा में डेरों को नहीं घोषित किया जाएगा गैरकानूनी। सजा मिली है वो बाबा को मिली है, डेरा को नहीं मिली। डेरा पहले भी चलता था, डेरा फिर भी चलेगा, अगर वो फिर बुलाएंगे तो फिर भी जाएंगे, उसमें जाने में क्या एतराज है। हनीप्रीत के लिए जेल में अब भी गुहार लगाता है राम रहीम, रोहतक जेल से रिहा हुए कैदी का खुलासा। कड़ी सुरक्षा के बीच जेल में रहता है राम रहीम, रिहा हुए कैदी का दावा, करीब 20 से 25 सुरक्षा कर्मियों की है तैनाती। सामने आए राम रहीम से हनीप्रीत की करीबियों के सबूत, एक कार्यक्रम में बाबा की पत्नी का हाथ झटकती दिख रही है हनीप्रीत। नेपाल सीमा पर हो रही हनीप्रीत की तलाश, पुलिस के अभियान के साथ मौजूद है आज तक। दो दो स्टेट्स की पुलिस हनीप्रीत की तलाश कर रही है, वैसे ही बॉर्डर से लगी हुई नेपाल पुलिस भी हनीप्रीत की तलाश में कोशिश कर रही है कि शायद किसी ने देखा हो। यहाँ पर इस वक्त जो नेपाल पुलिस के अधिकारी हैं वो भी लोगों से जानने कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ भारत में 3 गाड़ियों के साथ हनीप्रीत के नेपाल भागने के कयास, हरियाणा पुलिस ने नेपाल पुलिस को दी जानकारी। मुंबई में भी हनीप्रीत को ढूंढने की कवायद, राम रहीम के ठिकानों पर हरियाणा पुलिस की नजर। गुड़गांव के बड़े स्कूल में दिल गला देने वाली वारदात, 7 साल के मासूम की हत्या। चाकू से गला रेतकर की गई दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले प्रद्युम्न की हत्या, स्कूल के बाथरूम में खून से लथपथ मिला शव। स्कूल में बेरहमी से काटा गया बच्चे का गला, पुलिस ने बरामद किया चाकू। सुबह पिता ने बच्चे को छोड़ा था स्कूल, चंद मिनटों बाद मिली वारदात की खबर, स्कूल प्रशासन ने पहुंचाया अस्पताल। स्कूल ड्रॉप करने के बाद जैसे मेरे हस्बैंड घर के अंदर पैर रखे हैं, स्कूल से फोन आ गया आपका बच्चा बाथरूम में गिर गया है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। बच्चे की मौत की खबर के बाद सातवें आसमान पर अभिभावकों का गुस्सा, स्कूल परिसर में तोड़फोड़। रॉयन इंटरनेशनल स्कूल में मासूम की हत्या पर बढ़ा बवाल, स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज करने पर अड़े घर वाले। गुड़गांव पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में धरने पर बैठे बच्चे के घर वाले, पोस्टमार्टम के बाद लाश लेने से इनकार। स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है पुलिस, एंट्री रजिस्टर की भी हो रही है जांच। मासूम की हत्या में स्कूल बस के कंडक्टर पर शक, सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने किया गिरफ्तार। सर यहाँ पे जो व्यक्ति है जो स्कूल में काम करते हैं उनको डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। बच्चे की मौत के बाद स्कूल प्रशासन की सफाई, कहा नहीं हुई सुरक्षा में कोई लापरवाही। दिल्ली से सटे नोएडा के पाथवे स्कूल में छात्र को थप्पड़ मारने की तस्वीरें वायरल, पूरी प्लानिंग के साथ तैयार किया गया था वीडियो।
खराब हुआ। थप्पड़ खाने वाले छात्र का कान। प्रबंधन ने तीन छात्रों को दिखाया स्कूल से बाहर का रास्ता। स्कूल ने मारपीट या रैगिंग की घटना से किया इनकार। कहा छात्रों ने शर्त लगाकर आपसी सहमति से बनाया वीडियो। किसी प्रकार से हमारा स्कूल ऐसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, कंडोन नहीं करता। इस कारण उसके बाद वी टुक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। लखनऊ में 13 साल के छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश। ब्लू व्हेल गेम का शिकार होने का शक। कश्मीर घाटी में रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में कोहराम। अनंतनाग में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस गाड़ी में लगाई आग। अनंतनाग में बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने ड्यूटी पर तैनात डीएसपी को बनाया निशाना। झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल। जुमे की नमाज के फौरन बाद सड़कों पर निकला लोगों का हुजूम। पुलिस ने संभाला मोर्चा तो भड़का गुस्सा। पुलवामा में भी जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। दक्षिणी कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में अलगाववादियों ने बुलाया था बंद। श्रीनगर के कई इलाकों में एहतियातन लगाया गया कर्फ्यू। एनआईए की छापेमारी पर फारूक अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, बताया परेशान करने वाली कार्रवाई। कल जम्मू कश्मीर के 4 दिनों के दौरे पर जा रहे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, सुरक्षा हालात का लेंगे जायजा। यूएन में पाकिस्तान को भारत की दो टूक, कहा इस्लामाबाद ने आतंकवाद को बनाई है सरकारी नीति। चंद घंटे में बदले चीन के बोल, पाकिस्तान का किया समर्थन, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ईमानदारी बरत रहा है इस्लामाबाद। ब्रिक्स सम्मेलन में चीन ने पाकिस्तान की आलोचना वाले प्रस्ताव पर किया था दस्तखत, अब आतंकवाद की लड़ाई के लिए दिया फुल क्रेडिट। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में दौरे पर है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, किसानों की खुदकुशी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। नांदेड़ में भी राहुल ने मोदी पर साधा निशाना, कहा लोगों को बांट रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम पर दिग्विजय सिंह के आपत्तिजनक ट्वीट से भड़की बीजेपी, पूछा क्या अपने नेता से माफी मंगवाएगी सोनिया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय का पलटवार, कहा नहीं लांगी कोई सीमा, मानहानि का केस दाखिल कर सकती है बीजेपी। गालियों वाले ट्वीट को कांग्रेस महासचिव ने किया था रीट्वीट, पीएम के खिलाफ की गई थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मिशन ओडिशा पर है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली में लिया हिस्सा। दार्जिलिंग में गोरखा लैंड को लेकर जारी है जीजेएमएम कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत, पुलिस ने भांजी लाठियां। दार्जिलिंग में जीजेएम नेताओं पर पुलिस का शिकंजा, घर से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। दार्जिलिंग में जीजेएम की नेता गीता तमांग गिरफ्तार, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। रांची और हजारीबाग से इनकम टैक्स के 4 अधिकारी को सीबीआई ने दबोचा, भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग पूरी, देर रात से शुरू होगी काउंटिंग। गोरखपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर बवाल, पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्रों पर भांजी लाठी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव रद्द किए जाने को लेकर भड़के छात्र, कर्मचारियों को कमरे में किया बंद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला, बस्तर से आ रही बस को किया आग के हवाले। बिहार के बाढ़ में कोर्ट परिसर में फायरिंग, पेशी के लिए लाए गए कैदियों पर चलाई गई गोली, एक की मौत। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भी कोर्ट परिसर में शूटआउट, एक गैंगस्टर फरार। मुंबई में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की तस्वीर खींचने पर पत्रकारों की पिटाई, रेस्टोरेंट के बाउंसरों की गुंडागर्दी। मुंबई गोवा हाईवे पर पनवेल के पास एक महिला की मौत के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। बिहार के सुपौल में युवक की हत्या के बाद कोहराम, गांव वालों ने हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम। बिहार के मनेर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक पलटने से 3 लोगों की मौत। कैमरे में कैद हुआ कानपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा, विक्षिप्त महिला की बेरहमी से पिटाई। बिहार के शिवहर में राहत सर्वे में गड़बड़ी को लेकर बाढ़ पीड़ितों का हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक कंपनी में जानलेवा गैस का रिसाव, एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक महिला ने पुलिस वाले पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, अस्पताल में जमकर बवाल। रांची में 4 दिनों में जहरीली शराब मिली, 12 लोगों की जान, कर्मा त्योहार के बाद पार्टी के बाद लगातार हो रही हैं मौतें। आज से लागू हुई नो फ्लाई लिस्ट, गलत व्यवहार करने वाले मुसाफिरों पर लग सकता है 3 महीने से लेकर लाइफ टाइम बैन। नो फ्लाई लिस्ट में 3 कैटेगरी में अलग अवधि के लिए लगेगा बैन, जान को खतरा पहुंचाने वाले बर्ताव पर हमेशा के लिए लगेगी पाबंदी। सोने ने लगाई इस साल की सबसे ऊंची छलांग, 990 रुपए तोला बढ़कर 31,350 रुपए
के 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा आंकड़ा। पाक के सबसे बड़े बैंक हबीब बैंक पर अमेरिका में लगा बैन, 1400 करोड़ का जुर्माना, 20 सितंबर से शुरू होगी। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल, 90% तक डिस्काउंट। 24 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 31,687 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 4 पॉइंट्स बढ़कर 9,934 पर बंद। अगस्त में जागुआर लैंड रोवर की बिक्री में 4.3% का इजाफा, 38,519 गाड़ियों की बिक्री। भारत में 10 साल पूरे होने पर फोक्सवैगन ने लॉन्च किया लिमिटेड एडिशन पोलो, एनिवर्सरी की कीमत है 6 लाख रुपए। 20 लाख करोड़ के पार पहुंचे म्यूचुअल फंड्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, पिछले 3 साल में दोगुने हुए एयूएम। यूनिटेक के प्रमोटर्स को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार, रिफंड योजना सौंपने के बाद होगा विचार। पद्मश्री शारदा सिन्हा ने छात्राओं को स्वच्छता अभियान के लिए किया जागरूक, गीत गाकर दिया संदेश। गया में पितृपक्ष मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, विदेशियों ने भी पितरों के लिए किया पिंडदान। कैरेबियाई द्वीपों में इरमा तूफान की जोरदार तबाही, 12 पर पहुंचा मौत का आंकड़ा। कैरेबियाई द्वीपों में राहत में जुटा ब्रिटिश नौसेना का जंगी जहाज, लोगों की मदद में लगे रॉयल सेना के करीब 650 जवान। कैरेबियाई द्वीपों में तबाही मचाने के बाद हाइती की ओर बढ़ रहा है इरमा, आसमान से कैमरे में कैद हुआ नजारा। क्यूबा में इरमा की आहट से दहशत, करीब 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। इरमा को लेकर नासा ने जारी किया वीडियो, 3 सितंबर से 7 सितंबर तक मूवमेंट का एनिमेशन। मेक्सिको में 8 तीव्रता वाले भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट जारी, 3 मीटर तक उठ सकती हैं लहरें। 15 पर पहुंचा मेक्सिको के भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा, जमीन से 1000 फीट नीचे था केंद्र।